अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद फऔज़ बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहर रमज़ान अल्लज़ी उंज़िल फीहिल क़ुरआन लिन्नास बैनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم محترم حضرات الله تبارك وتعالى کے انتہا فضل کرم ہوا कि अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ान मुबारक के अंदर हम सबों को एक दीनी अहम बात सुनने की तौफीक अता फरमाई। देखिए हर वक्त हमें अल्लाह का करम और फजल हमें अदा करना चाहिए, जितना हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे अल्लाह तबारक व ताला उतना हमें और ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाएंगे। इसी आज से दुआ कर अल्लाह ताला हम सबों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की बातें हमें सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल मैं आप हजरात को मैं जो रमज़ान के मुतालिक बताने जा रहा हूँ कि शहर रमज़ान अल्लज़ी, कि रमज़ान कौन सा महीना है, ये किसका महीना है। बहरहाल तर्जमा तो छोड़ो, मैं आपको बात बतला पाउंड पे आता हूँ, जो ज़रूरी बात है अहम बात है मैं आपको पेश करता हूँ। वह बातें कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक के मुतालिक कि पांच खुसूसी चीज़ें इनाम की गई है मेरी उम्मत को जो पिछली उम्मतों को नहीं दी गई है। और कौन सी ये पांच चीज़ है? और सबसे पहले चीज़ है, मैं आपको बतलाऊँ क्या चीज़ है, कि रोज़दार के मुँह की बदबू जो भूख की वजह से पैदा होती है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है। नंबर दो, रोज़दारों के लिए दरिया की मछलियाँ दुआए मगफिरत के लिए करती रहती है। कब से करती है? सुबह से लेकर आप जब रोज़ा रखते हैं, उसके रोज़ा रखकर आप सही खाते नमाज पढ़ते हैं, दीगर काम अंजाम देते हैं, यहाँ तक कि आप इफ्तार करते उस वक्त तक दरिया की मछलियाँ आपके लिए दुआ मगफरत करती है। बताइए कितनी बड़ी फजीलत है। इससे हम फजीलत को सोचे गौर से सुनना चाहिए हमें, इसको याद रखना चाहिए, तब जाकर हम फजूल बातों से बचेंगे, गिबत से बचेंगे, बुरे नाम से पुकारने से बचेंगे, बदगुमानी से बचेंगे, जेगर जो मुनकरात से शरीयत मना करती है और फहशा से मना करती है आप उससे रुक जाएंगे। क्यों? आपसे मेरे लिए तो फजीलत यहाँ हासिल हो रही है। तो दरिया के मचे मारे मगफरत कर रही है। नंबर तीन पर बताया गया, जन्नत उनके लिए रोज़ाना सजाई जाती है कि और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, करीब है कि मेरे बंदे तेरी तरफ आए, दुनिया की मशक्क़त को उठाकर, तकलीफ को झेलकर, मियाँ मशक्क़त उठाएंगे वहाँ राहत मिलेगी हमें, इस समय जो तकलीफ़ हो रही है इससे बेबस नहीं हो जाना है, शिकवे शिकायत नहीं करना है। आज हमें बीमार है, हम रोज़ा नहीं रख सकते हज़रत, आज हमें तो तकलीफ़ है, हाथ में हमें मस्जिद नहीं सकते हैं, हम यही घर पे नमाज़ पढ़ लेंगे। नहीं, आपको ये नहीं करना है। 100% आपको जो है अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जो फजीलत रखी है, आपको में तकलीफ़ है तो भी इबादत करना है अल्लाह तबारक व ताला की 70 गुना बढ़ा दिया जाता है इसी इबादत फजीलत के बिना पर। जब मैं फजीयत मिल रही है, अहम चीज़ को देखता लोग मैं इसको देखना चाहिए, अल्लाह तबारक जब फजीयत के में जाना चाहिए। और रमज़ान अच्छा, रमज़ान मुबारक में जिन्नात जो शर्क शयातीन है उसको क़ैद कर दिए जाते हैं। क्यों? ताकि जो हजरात कि वो जो गुनाह करते हैं गैर रमज़ान में, रमज़ान के अंदर गुनाह ना कर पाए, इससे उसको जकड़ दिया जाता है, बैरियर से शर्क शयातीन बांध दिए जाते हैं। हाँ, कुछ तो हमारे नफ्स खुद शैतान बने हुए हैं जो गुनाह की तरफ दौड़ा रहे हैं, हमें खुद दिल के मचल पैदा होता है। क्यों? इससे पहले से उनकी आदत बनी होती है, जब गुनाह के पैटरी पर खुद चल रहा है पहले से, जब उनकी आदत बनी हुई है तब बात तो जगह भी जाएगी, को फिर भी गुनाह कर रहा है
अब कोई शख्स ये सवाल करे, हजरत आप बोल रहे शैतान को जो है उसे जकड़ दिया जाता है, उसे बैन दिया जाता है, बैरियों में कैद कर दिया जाता है, तो फला शख्स वो पहले गेम नहीं खेलता था, जिना नहीं करता था, झूठ भी बोलता था, तो वो भी तो पहले तो नहीं करता, अब नहीं कर रहा, लेकिन अब एक शख्स के बात बताओ वो तो कर रहा था कि रमज़ान मुबारक के अलावा वो कहे गहरे रमज़ान में कर रहा था, तमाम गुनाह करते थे वो, लेकिन अब भी कर रहा, तो बात मैंने पहले बता दिया, उसका नफ्स उस पटरी पर पहले ही चल चुका है, कुछ ना कुछ पहले के एहसास हिस्सियत तो बाकी रहेगा उसके अंदर। जब पहले का हिस्सियत बाकी रहेगा जाहिर सी बात है वो गुनाह करेगा। आपको मैं एक बात बताऊं, आप रोज़ा रख रहे हैं, आप यूँ फिजूल के कहीं बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, या अब यूँ ही बैठे हैं, क्या आपका माइंड बैठे रहेगा? नहीं, 100% कुछ ना कुछ वो सोचेगा, इधर उधर की बात दिमाग में आएगा। जब फजूल बैठे तो आपके दिमाग में चोरी चपाटी, गुनाह, जिना, शर्कस, बिदात, बहुत सारी बातें दिमाग में आते रहेगा आपका। और रमज़ान की जो पांचवी चीज़ बताई है, खसूसी बातों में से पांचवी बात ये है कि आखिरी रात जब होती है रोज़दारों की मगफ़रत कर दी जाती है। साहबा ने पूछा क्या शबे कदर शबे मगफ़रत है? कहा कि देखो सबसे पहले इंसान जब मजदूरी करता दुनिया के एतबार से तो मजदूरी से शाम को मिल जाती है, इसी तरह जब आखिरी रात होती है उसकी मगफ़रत कर दी जाती है, मैं मजदूरी मिल रही है। इसलिए मैं सबको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब खसूसी इनाम रखें, कुरान करीम पढ़े, तिलावत करे, तस्बीहात पढ़े, अजकार करे, जो आपके मामूल हो देकर हम उसको बजा कर लाएँ, क्यों हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हयात रखा है, इसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएं। हमारे जो मरहूमीन दुनिया से चले गए हैं आप उनके लिए खुशन दुआएं करें, अल्लाह तबारक व तआला हम का सुनने